8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। वर्ष 1966 में पहली बार इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया था। इंटरनेशनल लिटरेसी डे का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न समुदायों और व्यक्तियों को साक्षरता के महत्व के बारे में बताना है, साथ ही उसके बढ़ावे की प्रकृति पर जोर देना है। प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल लिटरेसी डे के अवसर पर यूनेस्को दुनिया भर में इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर सीखने, साक्षरता को बढ़ाने और वयस्क लोगों की स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे इंटरनेशनल लिटरेसी डे की शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने को लेकर पहली बार साल 1967 में 8 से 19 सितंबर के बीच ईरान के तेहरान में शिक्षा के मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई थी। इसके बाद 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने 14वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि हर साल दुनिया भर में 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि किस कारण मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। मानव विकास और समाज के लिए अनेक अधिकारों को जानने और साक्षरता की ओर मानव चेतना को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। सफलता और जीने के लिए साक्षरता बेहद महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी हम सभी को है। आइए अब थीम्स के बारे में बात करते हैं। वर्ष 2018 में इंटरनेशनल लिटरेसी डे की थीम लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट थी। वर्ष 2019 में इसकी थीम लिटरेसी एंड मल्टीलिंग्विज्म थी। वर्ष 2020 में इसकी थीम लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड है। आशा करते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें।